नमस्कार सभी दोस्तों को। दोस्तों मैं आपका भाई विकास आज के वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं कि किसी कारण बस अगर हमारा यूट्यूब चैनल डिलीट हो जाता है, यूट्यूब आपके चैनल को यूट्यूब प्लेटफॉर्म से रिमूव कर देता है, उसमें गलती चाहे यूट्यूब की हो चाहे आपकी, आपने किसी कम्युनिटी गाइडलाइन का उल्लंघन किया है, अगर आपका चैनल यूट्यूब ने यूट्यूब से हटा दिया है, परमानेंट हटा दिया है, और आपने अपील भी की है, आपकी अपील को भी यूट्यूब ने यानी कि रिजेक्ट कर दिया, यूट्यूब ने बोल दिया है कि हमने आपका चैनल यानी कि सस्पेंड ही रखना है, हमने यानी कि चेक किया है आपका चैनल कम्युनिटी गाइडलाइन के खिलाफ था और आपका चैनल सस्पेंड रहेगा। अब देखिए फिर भी आपका चैनल आपको वापस मिल सकता है, मैं 99% आपको भरोसा दे सकता हूँ कि आपका चैनल आपको वापस मिल सकता है। देखिए 8 जनवरी को मेरा चैनल विकास मोबाइल टेक यूट्यूब ने डिलीट कर दिया था विदाउट किसी नोटिफिकेशन के। मेरे पे डायरेक्ट मेल आया था सुबह करीब 10:30 बजे कि आपका चैनल डिलीट हो गया है, और आप देख सकते हैं कि मेरा चैनल वापस है यूट्यूब पे। ओके, आप चेक कर लेना, चैनल वापस आ गया यूट्यूब पे। देखिए मैंने क्या फॉर्मूला आजमाया, कैफे चैनल वापस आया मेरा, सारा कुछ आपको बताने वाला हूँ। बस आपको जल्दबाजी में कोई गलत एक्शन नहीं लेना है यूट्यूब के खिलाफ, जल्दबाजी में कोई गलत एक्शन नहीं लेना है वरना आपका नुकसान हो सकता है। अब देखिए मैं बता रहा हूँ, यूट्यूब ने जब मेरे को मेल किया था तो यूट्यूब ने मेरे को ये भी बताया था कि कम्युनिटी गाइडलाइंस का आपने इस प्रकार से उल्लंघन किया है कि आप यूट्यूब पे कोई और चैनल भी नहीं बना सकते हो। तो देखिए ऐसा कुछ नहीं होता है, अदर ईमेल आईडी से हम चैनल बना सकते हैं, लेकिन सेम ईमेल आईडी यानी कि उसी ईमेल पे हम दूसरा चैनल नहीं बना सकते, क्योंकि वहाँ पे आपका यूट्यूब एक्सेस हटा दिया जाता है, आपका जीमेल और कुछ भी अदरवाइज जो भी कुछ होता है ईमेल आईडी पे कुछ नहीं हटाया जाता है। ओके, चलिए इस बात पे भी मैं श्योर था। अब मैंने ये सोचा मैंने कि मेरे को ये तो बताएं, यूट्यूब टीम से मैंने ये कहा कि कृपया करके मुझे ये तो बताएं कि मेरा चैनल डिलीट क्यों किया। तो यूट्यूब टीम ने बताया कि आपका चैनल कुछ कम्युनिटी गाइडलाइन की यानी कि जो रूल थे उनका बार बार उल्लंघन कर रहा था। हमने सोचा हमें नहीं पता था क्या उल्लंघन कर रहा था, लेकिन मैं अब बता देता हूँ। मैंने बात यूट्यूब टीम से कैसे की वो मैं बताता हूँ। मैंने बात यूट्यूब टीम से की ट्विटर के माध्यम से, ठीक है। अब सर्च करना ट्विटर पे विकास बरोठे तो मेरा अकाउंट मिल जाएगा, वहाँ पे टीम से बात की थी वो भी देखिए। लेकिन मैंने एक कमी नहीं की, वो कमी क्या थी कि मैंने यूट्यूब के खिलाफ कोई गलत नहीं बोला, ठीक है, कि मैं आपके खिलाफ ये कर दूंगा कि वो कर दूंगा, मेरे साथ गलत किया है, मैंने नहीं बोला। मैंने सिर्फ उनसे रिक्वेस्ट किया ट्विटर के माध्यम से कि महोदय सिर्फ मुझे ये बताएं कि मेरा चैनल डिलीट किया गया है तो कृपया मुझे ये बताएं कि मैंने उल्लंघन क्या किया था, मुझे नहीं पता है कि मैंने क्या उल्लंघन किया था, और आपने विदाउट किसी नोटिफिकेशन के मेरा चैनल डायरेक्ट डिलीट कर दिया, मुझे काफ़ी दुख है, और यूट्यूब के अलावा कोई मेरा यानी कि अर्निंग फोर्स भी नहीं है। मैंने सारी अपनी कंडीशन थी ट्विटर के माध्यम से यूट्यूब टीम को बताई, तो उन्होंने कहा हमें अपील के लिए कि ठीक है हम आपकी प्रॉब्लम को समझ रहे हैं, आप एक लिंक दिया कि इस पर अपील कर सकते हो। तो मैंने कहा कि महोदय मैं पहले अपील कर चुका हूँ और यूट्यूब कम्युनिटी टीम ने मेरी अपील को यानी कि खारिज कर दिया, उन्होंने कह दिया कि हम आपका चैनल सस्पेंडेड ही रखेंगे। तो ट्विटर टीम ने हमसे कहा कि यानी कि सॉरी यूट्यूब की जो ट्विटर पे जो टीम है वहाँ पे यूट्यूब ने हमें कहा कि देखिए अगर हमारी यूट्यूब टीम ने आपको ईमेल के थ्रू बताया है गूगल टीम ने तो ये फैसला बदला नहीं जा सकता है, फिर भी हम चेक करेंगे और आपको जल्दी ही कोई नोटिफिकेशन जल्दी ही देंगे। तो भैया 8 दिन हो गए, 10 दिन हो गए, कोई नोटिफिकेशन नहीं दिया यूट्यूब टीम ने। ओके, मैं बार बार रिक्वेस्ट करता रहा कि सर मेरे चैनल को एक बार चेक किया जाए, लेकिन देखिए कोई रिप्लाई नहीं आया। लेकिन फिर बाद में मेरा चैनल वापस कैसे आया मैं बताता हूँ। देखिए मैं यूट्यूब ने एक ट्वीट किया था क्रिएटर के लिए, कुछ जैसे टिप्स देते हैं ना ट्विटर माध्यम से, ट्विटर हैंडल पे, तो वहाँ पे यूट्यूब ने एक ट्वीट किया, जस्ट मैंने क्या किया उसी ट्वीट में अपना कमेंट डाला और उसमें मैंने यूट्यूब टीम से बात की और उसमें मैंने लिखा कि महोदय मेरा चैनल यूट्यूब ने बिना किसी नोटिफिकेशन दिए हुए डिलीट कर दिया है और जिसमें मुझे खुद नहीं पता है कि मैंने क्या गलती की थी, और महोदय मैं यूट्यूब पे पिछले 1.5-2 साल से अच्छे से काम कर रहा था लेकिन मैंने अभी तक कोई ऐसी वीडियो नहीं बनाई जो कम्युनिटी के खिलाफ हो, लेकिन फिर भी मेरा चैनल यूट्यूब ने डिलीट कर दिया है,
अब मुझे आप बताइए कि मैं अपने चैनल को वापस कैसे कराऊं, मेरे पास कोई अन्य सॉल्यूशन नहीं है। और महोदय मैं आपसे एक रिक्वेस्ट और करता हूं कि अगर मेरे चैनल की कोई वीडियो आपकी कम्युनिटी का उल्लंघन कर रही है तो उन्हें यूट्यूब से डिलीट कर दिया जाए और मेरा चैनल मुझे वापस कर दिया जाए। टीम से बात की तो तुरंत ही मेरे कमेंट को, यानी जो मैंने कमेंट किया तुरंत एक्शन लिया गया टीम द्वारा और मेरे चैनल को तुरंत ज़्यादा से ज़्यादा 3-4 मिनट के अंदर उन्होंने वापस कर दिया और मेरे को अलर्ट भी किया कि हमने आपका चैनल वापस कर दिया है और हम आपको ये सराहना देते हैं कि दोबारा से आप ऐसी गलती ना करें। आपकी 3 वीडियो थी जिसमें मैंने क्या कमी की थी, मैंने कमी की थी अब मुझे पता है, रियल यूट्यूब की कोई कमी नहीं थी इसमें मेरी। मैंने कुछ वीडियो बनाई थी जिसमें कस्टमर का पैन कार्ड यानी बनाया था तो उसमें आधार कार्ड वगैरह उसकी डिटेल मोबाइल नंबर ईमेल आईडी फो करा दिया था, बस इसी कारण बस मेरा चैनल डिलीट कर दिया था। ओके, और एक वीडियो के लिए नहीं किया, इससे पहले मैंने ई श्रम कार्ड की वीडियो बनाई थी उसमें भी कस्टमर की डिटेल फो करा दी थी और उससे पहले भी एक जियो रिचार्ज की बनाई थी जिसमें मैंने कस्टमर का मोबाइल नंबर यानी कि जैसे एक मोबाइल नंबर डाला था और उसमें रिचार्ज दिखा रहा था, बस इतनी यानी कि 3 कमी थी मेरी। तो 3, अब भैया एक बार कोई माफ़ कर देगा, 2 बार कर देगा, 3 बार तो आपको हटाना ही पड़ेगा क्योंकि उनकी भी एक कंडीशन होती है, टर्म एंड कंडीशन उनकी भी। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप यूट्यूब से यानी कि अगर आपका चैनल डिलीट हुआ है तो कोई भी यूट्यूब के खिलाफ बात ना करें कि दूसरा चैनल बना के आप यूट्यूब की बुराई करें। भाई प्लेटफॉर्म भी यूट्यूब का है, चैनल भी यूट्यूब का है, आप सिर्फ काम कर रहे हो, आप यूट्यूब के लिए कुछ फ्री के ना के बराबर नहीं है। ओके, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ रिक्वेस्ट करिए, बात बन जाएगी, आपका चैनल आपको वापस कर दिया जाएगा जैसे कि मेरा चैनल वापस कर दिया। मैं यूट्यूब टीम का बहुत बहुत आभारी हूँ। देखिए आभारी तो मैं पब्लिक का भी हूँ जो मुझे यहाँ तक पहुँचाया, लेकिन उससे भी ज़्यादा मैं आभारी यूट्यूब टीम का इसलिए रहूँगा कि मेरा चैनल उन्होंने डिलीट करने के बाद रिक्वेस्ट करने पर वापस कर दिया। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना क्योंकि आपका भाई ऐसे इंटरेस्टेड वीडियो लाता रहेगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।